हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव के श्रृंगार में सर्प और बिच्छू इस्तेमाल होते हैं। भगवान शिव उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं और वे भगवान शिव की सेवा में सदैव ही लगे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर श्रावण मास में आपको बिच्छू दिखाई देता है आपके आसपास, आपके घर में अथवा स्वप्न में या आपको कहीं भी रास्ते में, तो यह आपके लिए एक संकेत लेकर आया है जो भगवान शिव ने आपके पास भेजा है। दोस्तों, ये संकेत शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। दोस्तों, इन संकेतों का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अगर आपके घर में पीले बिच्छू आपको कतार से अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव आप पर प्रसन्न हैं और शीघ्र ही आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में, आपके घर में धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। भले ही आपने कितनी भी गरीबी देखी हो, लेकिन अब आपकी गरीबी के दिन समाप्त होने वाले हैं और सिर्फ आप ही नहीं अपितु आपकी पीढ़ियां तक धन की कमी महसूस नहीं होंगी। जब इस प्रकार कतार से आते हुए बिच्छू आपको दिखाई दें, तो आप उनके ऊपर एक वस्त्र अवश्य डाल दीजिए। नंबर दो, दोस्तों, अगर बिच्छुओं की कतार आपके घर से बाहर निकल रही है, तो भी आप उस पर वस्त्र डाल दीजिए, उन्हें बाहर मत निकलने दीजिए। अन्यथा इसका अर्थ माना जाता है कि माया आपके घर से जा रही है या लक्ष्मी आपके घर से जा रही है और यह एक अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, वैसे तो बिच्छू एक विषैला जीव है, परंतु ये कुछ संकेत होते हैं। इस प्रकार से करने के बाद आप उन्हें भले ही जाने दें, आप उन्हें अपने घर से हटा दें, नहीं तो आपके परिवार के लोगों के लिए संकट हो सकता है। ये संकेत देखने के बाद आप उन को अपने घर से बाहर निकाल दें। नंबर तीन, दोस्तों, अगर आपको बिच्छू आपके घर में दिखाई देता है, तो आप उस बिच्छू को किसी भी प्रकार से, किसी चीज के सहायता से आप उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल दें। उसे अपने घर में मारें नहीं, अन्यथा यह अशुभ होगा। धन्यवाद।